अर्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। आचार्य समय सागर मुंद्राय जय माला पूर्ण्याम निर्वापामी देवी स्वाहा। अब हम उस सौभाग्यशाली भक्त का चयन संपन्न करेंगे जो आज के इस मंगलमय वेला में पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेंगे। कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो आज के इस मंगलमय अवसर पर पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं। चलिए 1,11,111, 1,11,111, 2,51,151, 2,51,151, 2,51,151 रुपया 2,51,151, 3,11,111, 3,11,111, 3,11,111 रुपया 4,51,151, 4,51,151, 4,51,151 रुपया 4,51,151 रुपया 4,51,151 रुपया 4,51,151 रुपया परम पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करने के लिए 4,51,151, 4,51,151 रुपया 4,51,000, 5,51,151, 5,51,151, 5,51,151 रुपया 5,51,151 रुपया 5,51,151 रुपया 5,51,151, 6,11,111, 6,11,111, 6,11,111 रुपया 6,11,111 रुपया 6,11,111 रुपया 6,11,111, 6,11,111, 6,11,111 रुपया 6,11,111 रुपया 6,51,151, 6,51,151, 6,51,151 रुपया 6,51,151 रुपया 6,51,151 रुपया 1 दिन और 6,51,151 रुपया 1, 2, 2.5 बने दिन और अंतिम बार पूछ कर छोड़ता हूँ 6,51,151 रुपया 3। यह मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है। हमारे बीच में सम्मानी महेश जी, सम्मानी श्री महेश जी, मंजू जी काला श्रेष्ठी परिवार, काला परिवार, अंकित रितिका, कृतिका परिवार, आदव अद्वित निशान परिवार, इम्फाल बेंगलुरु से हमारे बीच में पधारे, जोरदार ताली के साथ इनके भाव का स्वागत और अभिवादन अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ ही कल जिन्होंने पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी से 2 प्रतिमाओं के बृहद ग्रहण किए थे, समानी आदिश्वर जी बेंगलोर, उन्होंने भी शास्त्र समर्पित करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है। पूरे सम्मान के साथ दोनों परिवार को आमंत्रित करेंगे, कृपया पधारें। और पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का शास्त्र ध्यान हम सब करते गुरु के हस्त कमल में, समय सिंधु जी यहाँ विराज तीरथ कुंडलपुर में, तीरथ कुंडलपुर में, तीरथ कुंडलपुर में, ज्ञान साधना केंद्र यहाँ पर ज्ञान सगर का मेला, विद्या सिंधु समय सिंधु भक्तों का दो मेला, भक्तों का दो। एक बहन जी और थी हमारे बीच में जिन्होंने 11 का भाव रक्षित किया था, यदि वे हैं तो कृपया शीघ्रता से पधारें। हाँ, इम्फाल परिवार, पूरे सम्मान के साथ काला परिवार को यहाँ आमंत्रित करूंगा, भी आए। अपूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। और हमारे बीच में सम्मानीय, हाँ बहुत सुंदर परिवार है, महामहोत्सव जब महामस्तक का अभिषेक संपन्न हुआ था, 21 कलश के माध्यम से इन्होंने अभिषेक करने का सौभाग्य भी अर्जित किया था। बड़े बाबा के चरणों में समर्पित है, आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित है। और इसके साथ ही अशोकनगर पूज्य भावना प्रभावना मती जी के लौकिक जीवन के परिवार से सम्मानीय राकेश जी अशोकनगर सब परिवार, उन्हें भी आमंत्रित, उनका भी निर्मल भाव है। और दयोदय महासंघ के महामंत्री जी हैं,
और आगवानी के समय पूरे तन मन के साथ इन्होंने पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी के आगमन के समय पूरा तन मन के साथ निरंतर जुटकर आगवान में अपनी सहभागिता दर्ज की थी। परम पूजारी के मां भक्तिमति माता जी का भी परिवार है, कृपया पधारें और हमारे बीच में गुना से महावीर जी पंड्या जी भी हैं, उन्हें भी सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा। कृपया बेबी आए सासदान, हाँ दोनों बेटियां साथ में बेबी पधारें और साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। दान कर भक्ति का ये भक्ति का भोभा, देहरादून से हमारे बीच बहन जी के नाम उनका, बड़े बाबा के बड़े चरण हैं, समय सगर की छाव, समय सगर की छाव। अर्चना जी जिन देहरादून वालों ने भी एक साथ समर्पण करके मंगल भाई सभा करी थे, 111,000 रुपए की राशि समर्पित करने का भाव बना, उनके भाव का भी स्वागत अभिवादन अभिनंदन है। गुरु के और सभी से निवेदन है थोड़ा व्यवस्थित सभी जन साथ समर्पण करके सभी हमारे श्रेष्ठ जन अपना स्थान ग्रहण करते चलेंगे। पूरे सम्मान के साथ सभी को आमंत्रित किया जा रहा है, कृपया पधार कर साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। और आप सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे, आप सभी से निवेदन है कृपया सभी शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। सभी युवाओं का सम्मान यहाँ संपन्न हुआ और अब हम और हमारा चांदी वाला परिवार भी यहाँ पर दिल्ली से है, जो 2 क्विंटल का छत्र बनाकर यहाँ लाए बड़े बाबा के मस्तक पर समर्पण करने का भाव लेकर यहाँ पर आए हैं। भामंडल और चवर उन्हें भी पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित नहीं, कृपया पधारे चांदी वाला परिवार और जल्दी जल्दी आ जाइए। चलिए बाकी सभी लोग थोड़ा स्थान ग्रहण करें और कल अपन को छत्र और भामंडल लगाने हैं ना, तो घोषणा कर रहे हैं। अजय चांदी वाला परिवार शीघ्रता से पधारे। सब श्री फल श्रद्धा फल अर्पित कर आशीर्वाद, सभी अपने कर कमलों को जोड़ लें, सभी व्यवस्थित हो जाएं और अपने कर कमलों को जोड़ लें। हम सब सुधांशु जैन परिवार यहाँ पर शास्त्र समर्पित हो गया। हाँ और हम सभी अपने कर कमलों को जोड़ेंगे और अपनी मुख मुद्रा पूज्य नवाचार्य आचार्य कल महावीर जयंती के मंगलमय अवसर पर बड़े बाबा जी के यहाँ हाँ प्रांगण में सबसे बड़ा जो घंटा लगना है वो वहां पर लगेगा मनीष जी नायक जी परिवार के द्वारा। छत्र और भामंडल भी दिल्ली वाला परिवार चवर के द्वारा वहां समर्पित किया गया है। चलिए अब हम सभी अपने करकमलों को जोड़ेंगे और अपनी मुख मुद्रा पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के श्री चरणों की ओर करेंगे और अपनी ओर से आप सबकी ओर से पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी के करकमलों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से ही भक्तों को उत्प्रोत करें। वीर कुमार जी, कमल कुमार जी, अनिता जी, सन्मति साक्षी, हितांशी राव का परिवार ने भी साथ समर्पण करने का भाव प्रेषित किया है। मैं पूज्य आचार्य श्री से एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं। आचार्य श्री ने जब आचार्य पद ग्रहण किया पहला चतुर्मास उनका ब्यावर में हुआ 1973 में। मैं आप सबकी ओर से आचार्य श्री से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आपको देशना दी मेरे पीछे चले आओ तो आपकी भी
पहला चतुर्मास राजस्थान में ब्यावर नगर की ओर हो, ये हमारी मनोकामना शुभ भावना। चलिए अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन करूंगा, अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से ही भक्तों को उत्प्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातस्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य कुंद कुंद देव जिन्होंने अध्यात्म ग्रंथों की रचना की है और उन ग्रंथों में समय सार प्रवचन सार पंचाष्टिकाएँ अष्टपाउड ये मुख्य रूप से ग्रंथ हैं, द्वादशान प्रेक्षा भी एक ग्रंथ है। इन अध्यात्म ग्रंथों की रचना उन्होंने प्राकृत में निबद्ध किया है और उन ग्रंथों पर विभिन्न आचार्यों के माध्यम से टीकाएं लिखी गई हैं और उसमें अमृतचन सूरी हुए हैं, उन्होंने भी टीका की है और भी उत्तरवर्ती आचार्यों ने टीकाएं की हैं। और अमृतचन सूरी ने एक स्वतंत्र ग्रंथ भी उनका उपलब्ध होता है, कई हो सकते हैं, उसमें एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है। जैसे रत्नकरंडक श्रावकाचार्य आचार्य समद्भद्र स्वामी का है, उसी प्रकार श्रावकाचार्य का वर्णन करने वाला वह भी एक ग्रंथ स्वतंत्र रूप से है। उसमें मंगलाचरण उन्होंने किया है, उसको प्रासंगिक बनाते हुए जो भी विषय सामने आएगा वह देने का प्रयास हम करेंगे। तद जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र यत्र ज्योतिषी। जिस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में सकला पदार्थ मालिका प्रतिफलति समस्तै अनंत पर्यायै सार्धम समम वा, समस्त अनंत पर्यायों के साथ समस्त पदार्थ प्रतिफलित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। कहाँ पर? केवल ज्ञान रूपी ज्योति में प्रकाशित होते हैं। उस ज्योति के लिए उन्होंने वह ज्योति जयवंत रहे ऐसा उन्होंने मंगलाचरण में भाव व्यक्त किए हैं। बहुत विचित्र परिणति है, वह ये है कि जब तक मोह का अभाव नहीं होता तब तक छोटे छोटे पदार्थों से वह ज्ञान प्रभावित होता है और पर पदार्थ से प्रभावित होने वाला ज्ञान यद्यपि सम्यक दर्शन के सद्भाव होने के कारण वह सम्यक ज्ञान के रूप में आता है, किंतु समीचीन ज्ञान होने के उपरांत भी अध्यात्म की दृष्टि से अध्यात्मकार ये कहना चाहते हैं
कि अविरत दशा में सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला वह ज्ञान समीचीन ज्ञान सम्यक ज्ञान माना जाता है, किंतु असंयम दशा में वह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होते हुए भी वह पर पदार्थ से प्रभावित होता है। और जब तक पर पदार्थ से प्रभावित वह ज्ञान हो रहा है तो वह ज्ञान मोह से प्रभावित है, ऐसा कहने में कोई भी आगम से बाधा नहीं आती। आप पदार्थ को जानते हैं? बोलिए। आप कहेंगे सब लोग फर्ज मैं जानता हूं। आप नहीं जानते, आप जान नहीं सकते, क्योंकि जानने का आशय यहां पर यह है कि इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं करते हुए बिना किसी स्वामित्व भाव के पदार्थ को जो जाना जाता है वह वस्तुतः सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। यह अध्यात्म की दृष्टि में बहुत अच्छा प्रसंग आपके पुण्य के उदय से समझ लो निमित्त से स्मरण में आ रहा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तत्व चर्चा कर रहे हैं और वहीं समीप में ही आचार्य गुरुदेव भी बैठे थे और उन्होंने ही यह प्रसंग हम लोगों के सामने सुनाया रखा। उस प्रसंग को एक विद्वान और उनकी जिज्ञासा अथवा उनकी धारणा सामने रखी जा रही है। ज्ञान सागर जी महाराज के सामने उन्होंने कहा कि महाराज आपकी धारणा क्या है, किस विषय में, किस विषय में? तो उन्होंने ये कहा कि महाराज सम्यक दृष्टि के दृष्टि में कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वामित्व भाव रह सकता है क्या? तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो बाद में कहूंगा अपनी धारणा क्या है, तुम्हारी धारणा क्या है ये पहले सामने रखो। महाराज मेरी धारणा तो यही है कि सम्यक दृष्टि के दृष्टि में कर्तृत्व बुद्धि का अभाव है, स्वामित्व बुद्धि का भी भोक्तृत्व बुद्धि का भी अभाव है। अभाव है, अच्छी बात है। आप यहाँ पर आए हो, दूर से आए ना? हाँ महाराज दूर से आया हूँ। तो घर को ताला लगा करके आए क्या? वैसे आए? नहीं महाराज हम तो ताला लगा करके आया हूं। अच्छा तो आप सम्यक दृष्टि तो हो? हाँ मैं हूं महाराज। ताला क्यों लगाया? ताला क्यों लगाया? अलीगढ़ कंपनी का आचार्य महाराज बार बार कहते हैं, अलीगढ़ कंपनी का ताला आपने दुकान के लिए क्यों लगाया मुझे बताओ। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो और सम्यक दृष्टि की दृष्टि में पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव रह नहीं सकता, ये ताला क्यों लगाया आपने? उन्हें हाथ जोड़ा, महाराज गलती हो गई हमारी। सोचो विचार करो, सम्यक दृष्टि के पास कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वामित्व भाव का अभाव हो सकता है, किंतु कौन सा सम्यक दृष्टि? वीतराग सम्यक दृष्टि की दृष्टि में पर वस्तु के प्रति कोई भी स्वामित्व भाव नहीं रहता, किंतु अविरत अवस्था में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। चक्रवर्ती है और आप लोग बोलते हैं चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी की भोग और काक बीट सम गिनत है कौन? सम्यक दृष्टि लोग। तो आप सब लोग गिन ले हुए, वह चक्रवर्ती स्वयं गिन लेगा मेरी संपदा काक बेट के समान है, है? 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और उतने ही रथ और 9 निधि और 14 रत्न और 96,000 हाँ रानियां और अप्सरा को मात कर रही है। वो ऐसे सुंदर सुंदर रानियों के साथ वो संबंध रखते हैं क्या नहीं? भोक्तृत्व बुद्धि है क्या नहीं उनकी? बोलो नहीं है तो रखा क्यों? कोई एकाध उठा ले तो वो शांत बैठेगा क्या?
बोलो। और क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञानी है और उसी बहु से मुक्त होने वाले हैं, ये सारे सारे उनकी विशेषताएं हैं। इसके बावजूद भी असंयम अपना प्रभाव डाले बिना रह नहीं सकता, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। उसी भाव से तीर्थंकर होने वाले हैं, किंतु अभी वो वृषभनाथ नहीं है, वृषभ सागर भी नहीं है, किंतु वृषभ कुमार है। और वृषभ कुमार है तो एक और नीलांजना इस दृष्ट को वो देख रहे हैं क्या नहीं? क्या वीतराग भाव के साथ अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं, तो राग के साथ देखा जा रहा है। तो ये भोक्तृत्व बुद्धि सम्यक दृष्टि की हुई क्या नहीं हुई? इसलिए वीतरागता जब तक नहीं आती तब तक पर पदार्थ से वह ज्ञान प्रभावित होता है। इससे स्पष्ट है उनका वह ज्ञान मोह से प्रभावित है। इसलिए आप किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। जानते भी हैं किंतु इष्टानिष्ट की परिकल्पना किए बिना, स्वामित्व बुद्धि के बिना उस पदार्थ को आप जानते ही नहीं। एक प्रसंग और रख रहा हूं। प्रवचन प्रारंभ होने के पूर्व में गुरुदेव ने संकेत किया घड़ी की ओर। एक सज्जन, उनकी दृष्टि गई और बहुत पीछे बैठे थे और बिल्कुल तत्काल वो आकर के घड़ी रख करके पुनः पीछे बैठ गए और एक घंटे तक प्रवचन हुआ। उसके उपरांत जिनवाणी स्तुति प्रारंभ हुई नहीं और वहां से भागते हुए उस घड़ी को ले गए। वो उत्तर दो। हाँ स्वामिन, हे स्वामिन, क्या है ये? घड़ी को घड़ी के रूप में जानो। मेरे तेरे के रूप में जब तक बुद्धि रहेगी तब तक वह सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। घड़ी को वो घड़ी ही जान रहा है, घड़ी को वो पेंसिल नहीं जान रहा है, भड़ी घड़ी को और किसी रूप में वह टाइटल नहीं देना चाहता, वह घड़ी ही है। किंतु घड़ी घड़ी उस घड़ी की ओर दृष्टि जा रही कि मेरी घड़ी है। हाँ ये सब क्या? इसलिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा कि देखो समय सार पढ़ो और उसमें जहां कहीं भी ज्ञानी की परिभाषा दी है उसको अच्छे ढंग से शांत शांति के साथ एकांत में बैठ करके उसका मनन मंथन करो। बहुत कठिन है ये, क्योंकि मिलने के उपरांत भी उपेक्षा का जो भाव रखता है उसका नाम ज्ञानी है। मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए इस प्रकार की भावना रखने वाला वह सम्यक दृष्टि हो सकता है, किंतु उसका वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो करके भी अध्यात्म दृष्टि में जिसको सम्यक ज्ञान अथवा ज्ञानी संज्ञा दी जा रही है वो उसके साथ उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, नहीं मिलने पर तो कोई भी उपेक्षा कर लेगा, वो मिलना ही नहीं तो काय को अब संतोष धारण करते हैं हम। अच्छा है? नहीं मिल रहे इसलिए संतोष, और मिल जाए तो वंस मोर, हाँ और मिल जाए और मिल जाए, ये भाव है भीतर। तो ऐसी स्थिति में ये इच्छा है क्या नहीं? और जिसके अंदर पर वस्तु के प्रति इच्छा जागृत हो रही है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष देखते हैं, ज्ञानी वह है जिसके सामने विषय विष के रूप में प्रतीति में आ रहे हैं वह ज्ञानी है। और आगे की पंक्ति, वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। ज्ञानी से वैराग पाठ मिलता है, असह्य में उनसे वैराग पाठ नहीं मिलता, ये ध्यान रखो। असह्य में उनसे वैराग पाठ नहीं मिलता, वैराग पाठ ज्ञानियों से मिलता है।
सम्यक दर्शन अलग वस्तु और उसके साथ संबंध रखने वाला सम्यक ज्ञान अलग वस्तु, किंतु संयम के साथ वितरांग सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला जो ज्ञान है वही वस्तुतः केवल ज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थभूत होता है। सोचो तब उनको बात समझ में आ गई पंडित जी को, महाराज हम बहुत भूल में थे। अच्छा आप भी भूल में और विद्वान होकर के भूल में है? होता ऐसा ही है। सोचो विचार करो स्वामित्व भाव बहुत कठिन है, मैं और मेरा, तव मम इस प्रकार के जो ज्ञान की परिणति है वह वस्तुतः परिग्रह उसी को बोलते हैं, मूर्छा है वो। हाँ मूर्छा परिग्रह और प्रमत योगात ये विशेषण भी जुड़ा है। वस्तु को जानना हानिकारक नहीं, किंतु वस्तु के साथ जो राग का संबंध है उससे बंद होता है। इस प्रकार स्वयं कुंदकुंद देव कह रहे रथो बंधन कम, ज्ञान से बंद नहीं। यदि ज्ञान से बंद होने लग जाए तो उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में पूरा विश्व जो है अवतरित हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बंद केवल ही भगवान को होना चाहिए। इस प्रकार बार बार गुरुदेव का कहना है। क्यों नहीं हो रहा उनको बंद? उनके केवल ज्ञान में स्वर्गीय दृश्य भी आ रहा है, नारकी दृश्य भी आ रहा है, चतुर्गति में रहने वाला जो भी परिणमन है वो सारा सारा उनके सामने स्पष्ट झलक रहा है। इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी पदार्थ को लेकर के न विषाद का अनुभव है, न हर्ष का अनुभव है, न कोई स्वामित्व का अनुभव है, कोई भी अनुभव नहीं। किसका अनुभव? निजानंद रसली, वो अपने आप में लीन है। जिसका ज्ञान ज्ञान में ही लीन हो जाए तो वही वस्तुतः ज्ञान माना जाता है, और वही ज्ञान केवल ज्ञान के लिए कारण सिद्ध होता है। और आप लोग कदम कदम पर अन्यथा नहीं लेना, किंतु कहना तो पड़ेगा क्योंकि बिठाया क्यों फिर उपदेश के लिए आप ही ने तो निवेदन किया महाराज। दो शब्द, 200 शब्द भी कह सकता हूं, सुनना है आपको। किसी भी प्रकार से कोई अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। यथार्थ जो विषय है उसको रखने में कहीं भी कोई भी बाधा नहीं है, और यह आधुनिक युग चल रहा है। जब मैं आया उस समय इतनी आधुनिकता नहीं थी। उस समय पुराने जमाने में एक फोटो लेना होता तो उस समय की प्रक्रिया देख लो थोड़ा, किसी को भी ज्ञात नहीं। किंतु आज जैसे आशीर्वाद दे रहे हो ऐसा लगता है मोबाइल, और उसके माध्यम से आप सोचो विचार करो जो आपका जो वातावरण राग का वातावरण है वहां पर ये सारे क्रियाएं तो ठीक हैं, समर्थन नहीं कर रहा हूं, किंतु बिना समर्थन के गाड़ी चल रही है। किंतु धार्मिक सभा में आकर के भी आप इस प्रकार फोटो आदि लेना, ये सब करना, प्रभु के सामने भी एक रोचक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। हमारे सामने हुआ घटना घटित हुई है और प्रगाण करके ले गए, और नवधा भक्ति पूर्वक सभी क्रियाएं संपन्न हो गई और खड़ा हो गया आहार लेने के लिए, और अंजलि है और देने वाला वो दे रहा है, किंतु उसका ग्रास अंजलि में करपात्र में ना आकर के इधर जा रहा था। मैंने सोचा कि कोई इनको चश्मा तो नहीं है, क्या है? चश्मा भी नहीं पहना, कुछ भी नहीं पहना। हमने हो क्या रहा? उधर देखा तो वहां पर फोटो, मतलब उधर दृष्टि है तो इधर जा रहा है हाथ। अब सोचो, मैंने देखा ये देखो फंस गए बच गए। यदि नीचे ग्रास गिर जाता है तो ओम शांति हो जाती,
अंतराय हो जाता, इसको बोलते हैं कितनी आकुलता है। सारी धार्मिक क्रियाएं हम जो है पुण्य का साथ से पुण्य का अर्जन भी करना चाहते हैं और मनोयोग के साथ हम धार्मिक क्रियाओं को संपन्न नहीं करना चाहते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा विषय, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर तो नहीं जा रहा है, भाषा समझ में आ रही है? भगवान के सामने भी यही, गुरु के सामने भी यही, शास्त्र सभा चल रही उस समय भी यही। तो आपका उपयोग प्रवचन में है कहां? आप बैठे हैं, मैं मानता हूं मेरी ओर ही दृष्टि आपकी है, किंतु मन किधर जा रहा है? महाराज पूरा पूरा खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। आपने कह दिया पोल है तो खोलना क्या उसको? वो अपने आप ही पोल है, पोल को खोला थोड़ी जाता है, पोल को जाना। आप स्वयं ही पोल कह रहे हैं तो उसको खोलने की क्या आवश्यकता? महाराज पोल खोल रहे हैं, पोल क्या खोलना है ही पोल है, पहले से पोल है। तो इसीलिए वस्तु तो आत्मा की ओर दृष्टि नहीं जा पाती, इसलिए निरंतर कर्म अपना फल दे रहा है। क्योंकि जैसे आपके परिणाम रहेंगे उस परिणाम के अनुरूप वह फल मिलता है और नए सिरे से कर्म का भी अर्जन होता है, उस ओर आपका ध्यान ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी किसको बोलेंगे फिर? इस प्रकार की क्रिया करने वालों को हम ज्ञानी कह दें? हम अज्ञानी नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो आपको ज्ञानी कहने से अच्छा लगता तो हम कह देंगे, हमें कोई बाधा नहीं। आप सारे सारे जितने भी सभा में बैठे हैं, मेरा क्या अधिकार है कि आप सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा कहने का? आप सभी सम्यक दृष्टि और होना चाहिए, किंतु आगे आप विकास करना चाहते हैं तो धार्मिक कार्यों में कम से कम इस प्रकार की क्रियाएं न हो तो ज्यादा अच्छा। पूजन करने के उद्देश्य को लेकर के मंदिर जा रहे हैं और जाते जाते हाथ में थाली भी है और खड़े होकर के अन्य चर्चाएं प्रारंभ हो गई, उसको भी हम पूजन में शामिल कर दें, वो उस विषय को भी नहीं है ना, तो क्यों चर्चा? और मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत भी थाली रखी है और अर्घम और बीच बीच में और अंचलिका चलती रहती, चर्चाएं चलती रहती। अब क्या कहें? फिर बाद में जलम, फिर कुछ चर्चा चलती रहती गंधम, ये ठीक नहीं है। हमने यहां तक कहा था, जो यथार्थ बात है उसको हमने कहा है। मान लो आप प्रभु के पूजन करने के लिए तत्पर हैं, उस समय मान लो श्रवण भी आ जाए भगवान की वंदना के लिए, उस समय उस पूजन के कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम महाराज फिर श्रवण आए हैं उनके लिए हम अर्घ नहीं छड़ाए, उनके लिए नमोस्तवादिक न करें, कोई आवश्यकता नहीं महाराज, उनका फिर अभिनय हो जाएगा तो भगवान का नहीं होगा क्या? भगवान की पूजा करने के लिए आप तत्पर हो, विधिवत पूजा करिए और उस विसर्जन करने के उपरांत यदि कोई कार्य करना है तो करो। विनय का अर्थ ये होता है, ऐसा थोड़ी होता है हर समय विनय विनय विनय। विनय का अर्थ क्या है? विनय अलग है, अभिनय अलग है, है? हाँ, विनय अलग है, अभिनय अलग है। अभिनय का अर्थ क्या? ड्रामा। हमें ड्रामा नहीं करना, जो यथार्थ है उसको करिए, आप करना चाहिए। हमें प्रसंग आ गया इसलिए कह ही देता हूं, दोबारा कब प्रसंग आएगा? कल आएगा, आएगा तो 9:30 तो बज गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप विनय की बात करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मान लो मंदिर है और उसमें तीन खंड हैं, प्रथम खंड में भी श्री जी हैं, बीच में भी हैं और उसके ऊपर भी श्री जी विराजमान हैं, और ऊपर के खंड में मान लो एक श्रमण बैठे हैं, तो वो
नीचे के खंड में जो श्री जी बैठे हैं उनका विनय हो जाएगा उस श्रमण के द्वारा, ऐसा मान लिया जाए। अथवा कोई श्रमण नहीं है और तीसरे खंड में आप दर्शन हेतु पहुंच गए हैं, तो निचले खंड में जो भगवान है, प्रभु है, उनका अभिनय आपके द्वारा हो रहा है। अभिनय बोलते किसको? शक्य का अनुष्ठान है ये, अभिनय नहीं है ये। और मान लो ये कहना चाहते हैं कि वेदी पर छोटे मोटे प्रतिमाएं कितनी हैं, 150 प्रतिमाएं हैं, तो सबके लिए अष्टमंगल द्रव्य से पूजन कायदे से तो करना चाहिए। एक मूल नाय की पूजा आपने कर ली और जितने भी भगवान हैं 150 और उनके लिए सामूहिक रूप से आपने वंदना कर ली, तो आपने कोई अभिनय किया है क्या? सबकी पूजा कर लो, सबका अभिषेक कर लो, सबके सामने कायसर कर लो, तो इतना समय हो तो कर लो। नहीं करते हैं तो इसमें अभिनय का भाव नहीं। तो उसी प्रकार मेरा ये कहना है, श्रमण भी आ जाए तो भी आप भगवान की पूजन करने के लिए बैठे हैं तो विधिवत पूजन करिए। प्रत्येक क्षेत्र में विधि को भूलना नहीं चाहिए, विधिवत करो, रुचिवत नहीं करो। क्या अपने रुचि के अनुरूप नहीं, विधिवत करो। तो इसी प्रकार हाँ विधिवत करिए आप। इसलिए धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अपने को परिणामों को पवित्र रखना चाहिए। अन्य कोई भी सांसारिक विकल्प उतने क्षण के लिए तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं। फोटो चल रहे हैं और भी बातें चल रही हैं, ये सब हो रहा है। इसलिए ज्ञानी किसको बोलते हैं, इसका विषय आपके सामने दिया है और बहुत सारा इसका विस्तार किया जा सकता है, समय पर करेंगे। समय आपका हो गया है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस ममा। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।